हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेट अप एंड लर्न। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट योर फ्रेंड्स कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल टू गेट the better preparation of their defense exams and board exam as well. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं without wasting much time. बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स क्या है? What is ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एंड अफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. ऑप्टिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट के बिहेवियर को, लाइट के इफ़ेक्ट्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्टिक्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, और वे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में हमेशा हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हैं। तो अब बोलेंगे आप लोग ये लाइट क्या होता है, तो लाइट को डिस्कस करते हैं। लाइट होता क्या है? लाइट एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सारी चीज़ देख पाते हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, और वी कैन से लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लाइट जब भी हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो लाइट को ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किया जाता है। तो लाइट है क्या? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ एक कोई सोर्स है जहाँ से लाइट निकलती है, ये एक मिरर है, यहाँ से वापस लाइट जाती है, यहाँ एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बात कर लेते हैं, सपोज़ हमने अभी बात की कि लाइट को हम एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको रे भी बोल सकते हैं। अगर ऐसी रेज, बहुत सारी रेज अगर पैरेलल में हैं तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन या रेज पैरेलल में हैं तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, जो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड बार बार आएगा जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में हम लोग दो फिनोमेनास के बारे में बात करते हैं, पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो फिलहाल अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक वो फिनोमेना होता है जब भी हम किसी एक सरफेस पर अगर लाइट रेस को इंसिडेंट कराते हैं। सपोज़ ये कोई एक सरफेस है और ये कोई सोर्स है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एक टॉर्च है, ओके। यहाँ से जब लाइट रेज को हम इस सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये बाउंस बैक हो जाता है उसी मीडियम में। सपोज़ करिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये मीडियम कोई एक मीडियम है, मीडियम वन, और ये मीडियम टू है। ये मीडियम टू कुछ भी हो सकता है, मीडियम वन आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, हम एयर मान लेते हैं, इस केस में एयर मान लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर हम इस टॉर्च को ऑन करेंगे, इस टॉर्च को ऑन करने के बाद यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकलेगी। अभी हमने बात की थी अगर बहुत सारी रेज पैरेलल में है तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी। तो इसी जो फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फिनोमेना है बाउंसिंग बैक या रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉज दिए गए हैं, उन लॉज के बारे में बात करते हैं। लॉज के बारे में बात करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? अगर यहाँ पर आपको कोई एक सोर्स है, एक लाइट इमिटिंग सोर्स है, वहाँ से लाइट रे निकलती है, जो लाइट रे निकलती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है।
और जो निकलती है इंसिडेंट रे वो एक सरफेस पे आकर इंसिडेंट होती है। ये कोई प्लेन सरफेस है, कोई बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस है जिस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे वापस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ से एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई सरफेस पे, एक पॉइंट पर आकर मिलती है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट के बाद जो रे वापस चली जाती है उसी मीडियम में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें बीच में तो देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है ये जो एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली दो लॉज दिए गए हैं। पहला लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये आपका पहला लॉ होता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या बोलता है? जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आपका पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो कि यहाँ होता है, वो सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये आपको याद रखना है। बेसिकली यही दो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर की, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, कौन कौन से मिरर होते हैं, किस मिरर का कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मिरर्स के बारे में बात करें तो मिरर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब बात करें प्लेन मिरर क्या होते हैं। प्लेन मिरर होते हैं, आपने देखा होगा अपने डोमेस्टिक हाउस में, अपने घरों में देखा होगा, जो कि हम लोग अपना फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं उनको प्लेन मिरर बोलते हैं। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट और इक्वल इमेज फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बॉय है जो एक मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो ये देख रहा है अपने आप को उस मिरर में। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड इक्वल इमेज और इक्वल इन साइज बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर। और एक पॉइंट याद रखना है वो है कि इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैन खड़ा है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इसका ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड है, और वहीं अगर इसमें मिरर में देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, क्रॉस का मतलब इन्वर्स हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ओके, क्लियर। आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये पीपीटी अच्छी नहीं लगती है तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो कि वेरी इजी होंगे आपको लर्न करने में और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि पूरे डिटेल में होंगे। अभी हमने बात करी थी कि जो इमेज फॉर्म प्लेन में होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, तो ये वर्चुअल क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वर्चुअल और रियल। तो इसको डिस्कस करें, एक तरफ कर लेते हैं रियल और एक तरफ कर लेते हैं
वर्चुअल। तो ये वर्चुअल और रियल इमेजेस क्या होते हैं? इमेजेस बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, वर्चुअल और रियल। तो रियल इमेज क्या होती हैं? रियल इमेज वो इमेज होती हैं जिसको हम स्क्रीन पर देख सकें, और वर्चुअल इमेज वो होती हैं जिसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, जिसको हम नहीं देख सकते। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि जब भी आपने अगर एक मिरर लिया है और इंसिडेंट रे आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलती हैं अगर उसी मीडियम में, तो उसको बोलेंगे रियल इमेजेस। ओके, रियल इमेजेस। अगर वहीं ये इंसिडेंट रे उसी मीडियम में आकर नहीं मिलती हैं, कहीं दूसरे मीडियम में जाकर मिलती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। ओके, क्लियर। चलो आगे बात कर लेते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? बेसिकली स्पेरिकल मिरर आप लोग जानते ही हैं, स्पेरिकल का मतलब स्पेयर, एक होलो स्पेयर लाइक दिस। तो स्पेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग इसके याद करने की ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सपोज दिस इज़ अ स्फीयर, ओके, आप लोग को दिख रहा होगा ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट भी बोल सकते हैं। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो जो कॉनकेव मिरर का काम होता है वो लाइट रेस को कन्वर्ज करना होता है, मतलब पास लाना होता है। तो इसमें देख सकते हैं ये आपका एक सरफेस है, इस तरफ एक पॉलिशिंग सरफेस है, इसको बोलते हैं पॉलिशिंग सरफेस, और यहाँ जो इस तरफ है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, इसको अरेज कर लेते हैं। हाँ, तो और वहीं उल्टा इसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इस साइड जो होता है वो पॉलिश सरफेस होता है और आउटर साइड पे जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो मिरर को डिटेल्स में जानने के लिए, इनको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको कॉनकेव मिरर को याद करने के लिए और कॉन्वेक्स मिरर को याद करने के लिए आपको पीछे का वर्ड देखना है, केव। कॉनकेव मिरर में केव देखना है आपको। केव आपको पता है कैसी होती हैं, गहरी होती हैं, अंदर होती हैं। तो इसमें आपको क्या रखना है, जो अंदर वाला सरफेस है, जो अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाला सरफेस जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि केव जो होती हैं वो गहरी होती हैं, अंदर होती हैं। तो अंदर का मतलब जो अंदर वाला सरफेस है ना वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। आपको ये दिख रहा हो ये अंदर सरफेस है, ये बाहर है, तो अंदर का जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। वहीं कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आपको वेक्स एक्स दिख रहा होगा, ई एक्स। ई एक्स मतलब आपकी जो एक्स थी वो छोड़ के जा चुकी है, मतलब वो बाहर हो चुकी है। तो उसको एक्स को कैसे करेंगे, बाहर, एक्स को आपने बाहर कर दिया, तो इसका मतलब जो बाहर वाला सरफेस है वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर जो होगा वो पॉलिश सरफेस होगा। ओके, ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं एक्चुअल में दिखने में। अगर आपने स्पून तो देखा होगा अपने बचपन की लाइफ में, स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अंदर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और वहीं जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या था, कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब पास लाना। जब भी हम अपनी जो स्पून में देखते हैं अंदर वाले पार्ट में, तो हम लोगों को क्या दिखता है, हमारा फेस जो है वो छोटा दिखता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। वहीं कॉन्वेक्स में क्या होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट रेस डाइवर्ज होती हैं, तो जिससे क्या होता है, चीज़ें बड़ी दिखती हैं। जैसा कि आपने बाइक में देखा होगा, बाइक में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं और कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, जो आपको बियर्ड शेव करने में यूज़ करते हैं। ओके,
तो वही हम लोग को पढ़ना है। इतना क्लियर हो गया। आगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको डिस्कस कर लेने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स सबसे पहले क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला टर्म क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो सेंटर ऑब्वियसली आपने स्पीयर देखा है, स्पीयर में एक सेंटर होता है, आपने एक सर्कल तो देखा ही होगा ना, सर्कल में एक सेंटर होता है। तो वहीं जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर के केस में ये जो मिरर, जो स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। आगे दूसरा टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब आप लोग बोलेंगे पोल क्या होता है, पोल इज़ द, हम लोग पेज दे लेते हैं, पोल क्या है, पोल इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। जो आपका मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पोल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिसको हम कैपिटल आर से डोनेट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें रेडियस क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ, सॉरी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डोनेट करते हैं। आगे जो टर्म है वो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, अगर ये आपके पास ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, अगर आपको इसको बीच से काट देंगे तो ये बीच से जो लाइट जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ एक ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। तो ये लाइन, जो लाइन जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे बात करते हैं अपर्चर्स ऑफ मिरर। अपर्चर्स क्या होता है, जो मिरर की लेंथ होती है, जो मिरर की लेंथ होती है, इसे हम लोग देख सकते हैं ना, जो मिरर की लेंथ है उसको बोलते हैं अपर्चर्स। ओके। आगे आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करने के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। सपोज दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कुछ बीम लाइट रेस इंसिडेंट कराएं तो ये लाइट रेस एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, ये बीम लाइट रेस एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, ये पोल हो गया आपका। वहीं अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी यही सेम होता है, कुछ पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आती हैं और एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलते हैं, एफ को प्रिंसिपल और फोकस भी बोल सकते हैं आप सिंपली। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। अब एक और टर्म आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर। आई होप ऑल द टर्म्स विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द मोर टॉपिक्स और ऑफ द ऑप्टिक्स। अगली वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम माय चैनल। और आपको इसके PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विच इज़ हैंड रिटन बाई मी। तब तक के लिए गुड बाय एंड इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।